आज हम स्कूल ट्रिप के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, पिकनिक पर जो जरूरी सामान लाना है वो सब लाए हैं ना? ये देखो, ये मेरी एक स्पेशल ड्रेस है जो एक मशहूर डिजाइनर ने डिजाइन की है, और ये जूते स्पेशल एयर कुशन वाले हैं जिनसे आप जितना भी चलेंगे थकेंगे नहीं। बहुत अच्छे। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि पिकनिक पर जाते समय ऐसे जूते पहनने चाहिए जो आपको आराम दे। ऐसे जूते कहाँ मिलते हैं? ऐसे जूते आजकल हर जगह मिल जाते हैं। सब बच्चे सुनो, आप लोग अपने सर या हाथ खिड़की से बाहर नहीं निकालेंगे। ओके मैम। तो योशिनागा मैम, मैं नहीं, कुछ भी नहीं। आपने तो मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया। जब तुम टीचर बनोगे तो बच्चों के बोलने से पहले ही समझ जाओगे कि वो क्या बोलने वाले हैं। क्या आप जादूगर हैं? ये कोई जादुई ताकत नहीं है, इसे मन की आंखें कहते हैं। हमें पता चल जाता है कि बच्चा क्या कहने वाला है। हाँ, मैंने ये टीवी पर देखा है कि बिना कहे दूसरे तक बात कैसे पहुंचा सकते हैं। इसे दिमाग को पढ़ना कहते हैं। क्या कहा? योशिनागा मैम दिमाग को पढ़ सकती हैं? हाँ हाँ। और क्या प्रिंसिपल सर भी एक जादूगर है? हाँ हाँ, शायद वो भी ऐसा कर सकते हैं। लगता है अब ये कोई गड़बड़ करेगा। अरे रुक जाओ शिनचांगी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है हमें सिटिंग अरेंजमेंट को बदलना पड़ेगा। बो, एक काम करो, तुम आ जाओ। शिनचांग, तुम बो की सीट पर जाओ। लेकिन मुझे खिड़की वाली सीट पर बैठना है। खिड़की वहाँ पीछे भी है। खिड़की खिड़की खिड़की। कितना शरारती है। चलो चलो जल्दी करो। बाथरूम बाथरूम, अरे बाबा बाथरूम कहाँ है? इतना सारा जूस पीने के लिए किसने कहा था? अपना हाथ अपने रुमाल से साफ करना। वो मेरा रुमाल है, उसे वापस दो। अब मैं कहता हूँ छोड़ दो। अब मैं अपने हाथ किससे पोछूं? अब मैं क्या करूं? अरे कजामा, तुम चाहो तो मेरा रुमाल यूज कर सकते हो। ठीक है, वो बस में रह गया है, मैं उसे अभी लाया। A few moments later. देखिए तो जरा, चॉको चिप्स खाने के लिए कितना खुश हो रहा है। ठीक कहा, लेकिन मिस योशिनागा, ये कजामा कहाँ है? हाँ? शिनचांग, तुम्हारी वजह से मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा। ये स्कूल ट्रिप में क्या हुआ?